मैं जानती हूं कि मैं नागिन हूं और आप शेष नागिन है। अब कहे तो आपके चरण स्पर्श कर लूं। सर्वश्रेष्ठ नाग वंश में जिसकी पूजा की जाती है वो शेष नागिन आप बनी है। आप क्यों बनी, कैसे, ये पूछने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अब मां बनने वाली है और मैं अच्छी तरह से जानती हूं आपकी ये कहानी झूठी है। उसका दिल दुखता है तो आपका दिल दुखता है, उसे तकलीफ होती है तो आपको भी तकलीफ होती है। लेकिन शेष नागिन, मानती हूं आप शेष नागिन है, लेकिन आप ही एक औरत है, आपके सीने में भी दिल है और औरत का दिल बहुत नाजुक होता है। और आप कहे ना कहे, माने ना माने, लेकिन मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूं, आप उस लड़के से बहुत प्यार करती हैं। आप इस झूठ की कहानी को खत्म करके अपने दिल के दर्द को खत्म क्यों नहीं कर देती? उस नीलगिरी पहाड़ियों के पीछे जो महल है वहां रखी जड़ी बूटियों को लगाकर आप अपने काले दाग खत्म क्यों नहीं कर देती हैं शेष नागिन? आपको इस बात का डर है ना कि कोई आपके काले दाग देख लेगा और आप पर शक करेगा, इसीलिए आपने ये माँ बनने की झूठी कहानी बनाई ना। क्या मिल रहा है आपको बदले में? वो ऋषभ की नफरत, उसकी धुतकार। शेष नागिन, उस रात ऐसा क्या हुआ था जो आप वापस वहां नहीं जाना चाहती? मैं बताती हूँ उस रात क्या हुआ था। वो रात भी आज की रात की जैसे थी, उत्तरायण की पूरी चांद की आधी रात। दीदी मुझे पकड़ो। रुको रुको रुको, दीदी मुझे पकड़ूंगी तुम्हें मैं। नहीं आप नहीं पकड़ पाए। अरे 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 महक, आओ मेरे साथ। माँ थोड़ा सा खेलने दीजिए। अभी नहीं प्रथा, अभी मुझे दीदी से बहुत जरूरी बात करनी है। ये तुम्हारी नानी है, ये एक शेष नागिन थी। माँ इनकी तस्वीर के पीछे रोशनी कैसी है? ये नागमणि की रोशनी है। नागमणि एक शेष नागिन को मिलती है और हमारे परिवार में ननिहाल से शेष नागिन का वरदान बेटी को नहीं नातिन को मिलता है, इसीलिए हमारे यहाँ ये वरदान मिलेगा महक को जब ये बड़ी हो जाएगी। पर इसके लिए तुम्हें बहुत कठोर तपस्या करनी होगी, करोगी ना? और जब तुम उम्र के उस पड़ाव में पहुंच जाओगी तब उत्तरायण के पूरे चांद के आधी रात को तुम्हें शेष नागिन की सभी शक्तियां मिलेगी, तुम्हें नागमणि मिलेगी। अब हम खेल सकते हैं? नहीं प्रथा, अभी दीदी को तपस्या करनी होगी। माँ बस कुछ देर। माँ कह रही है कि मुझे यहाँ बैठ के रोज तपस्या करनी पड़ेगी। जब मैं बड़ी होंगी एक दिन शेष नाग मुझे वरदान देंगे और नाग लोग के नागिन शेष नागिन बनाएंगे। उसके बाद नीलगिरी के इस महल में नानी की तरह मैं राज करूंगी। कितना बोरिंग है। क्यों? क्योंकि दीदी माँ ने तो पापा से शादी कर ली, तो हमारे अंदर आधा इंसान और आधा नागिन का खून है। आप चुन रहे हो कि आप नागिन बनो, मैं तो कभी ना चुनू। मैं तो किसी अच्छे से लड़के के साथ शादी करूंगी और आम इंसानों वाली जिंदगी जीऊंगी। प्रथा तुम 9 साल की हो सिर्फ, अभी से ये बड़ी बड़ी बातें। मैंने कहानियों में पढ़ा है लोग शादी करने के बाद कितने खुश रहते हैं। चलो ना दीदी बस थोड़ी देर खेलेंगे। अरे नहीं मुझे पूजा करनी है। ठीक है दीदी, अगर आपकी तपस्या जल्दी पूरी हो जाए तो मैं भी आपके साथ तपस्या करती हूँ। और फिर हम बड़े हो गए। दीदी ये हमारी नानी है ना, ये नागिन थी, इन्हें क्या हुआ? ये गुजर गई, पर इनके 60वें जन्मदिन पे पूर्णिमा के रात पे जब मेरी तपस्या पूरी होगी तो मुझे इनका वरदान और इनकी नागमणि मिल जाएगी जो मेरी नाभि में रहेगी। इतनी बड़ी नागमणि और वो भी आपकी नाभि में, फिर तो आपका पेट बाहर निकल आएगा। मणि की शक्ति इतनी होती है कि जब वो नाभि में होगी तो एक अनाज के दाने जैसे छोटी सी होगी और जब वो मेरे अंदर जाएगी तो कोई ऐसे नहीं देख पाएगा। चलो मैंने तो आपकी पूजा कर ली, अब मैं जा रही हूँ।
हे शिवजी, मेरी छोटी बहन को थोड़ी सी अकल दे दो। तुम शिवजी की पूजा करोगे ना तो जैसा लड़का तुम्हें चाहिए तुम्हें वैसा ही मिलेगा। हे शिवजी, मैंने आपकी पूजा तो कर ली, लड़का तो मिला नहीं। अब ये शेष नागिन बन जाएंगी तो इनकी पूजा करूंगी, शायद ये ही मुझे दे दे जो मुझे चाहिए। रिहान, अब तक तो तुम सिर्फ हमारे भाई थे, अब किसी के साजन बनने जा रहे हो। हाँ हाँ, BBH। What? अरे ब्रदर बनेगा हस्बैंड। अरे लो, आ गए जी, आ गए। आओ आओ आओ, वेलकम जी, वेलकम, आओ। अरे कितनी सोनी लग रही है, आइए आइए। आओ बेटा, नमस्ते। आइए आइए। इंस्पेक्टर, आप, आपको भी किसी ने इनवाइट दिया था क्या? इनवाइट? अरे हमें तो हर दूसरे दिन पे इनवाइट किया जाता है यहाँ पे, बट खैर हम तो आज ये देखने आए कि कहीं मिस्टर ऋषभ की पत्नी फिर से तो नहीं भाग गई। प्लीज। प्रथा जी, नमस्ते। नमस्ते प्रथा जी, हम ये बताने आए थे कि दिया मर्डर केस की छानबीन हम कर रहे हैं और जैसे ही सुराग मिलता है सबसे पहले हम आपको ही बताएं। वैसे आप आ ही गए हैं तो रिहान की सगाई भी अटेंड कर ही लीजिए आप। जरूर। अच्छा, वो आ गए हैं, इंस्पेक्टर विजय। जाओ जरा वक्त बताओ, उनके साथ थोड़ी बात करो, थोड़ा साथ दो। और क्यों डैनी? फालतू की बात मत कर, अभी काम की बात सुन। तो बता रही थी ना, उस दिन जिस दिन दिया की मौत हुई थी उसके साथ में एक लड़का था छत पे जिसने हुडी पहनी हुई थी। मेरी बात सुन। अरे ये डोरी तो बिल्कुल इसकी जैसी है। आपको पता है इस रिंग किसकी है? आपकी है? नहीं नहीं, मेरी नहीं है, खरीदी मैंने। अब सुन, ये हुडी इन तीनों लड़कों में से किसी की भी हो सकती है, रेहान, विहान या रितेश, पर इन तीन लड़कों में से कौन है ये मैं पता लगाऊंगी। ऋषभ, क्या हुआ, तुम बार बार उसके पीछे क्यों जा रहे हो? मैं उसके पीछे नहीं रीन, उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो बस पूछने जा रहा था। तो तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो? नहीं, अब फर्क की कोई बात नहीं है रीन, वो तो मुझे बस बुरा लग रहा है कि मैंने उससे इतनी बुरी तरीके से बात की। लेकिन उसी ने तो कहा ना कि वो प्रेग्नेंट है। नहीं रीन, वो प्रेग्नेंट नहीं है, बस आजमाना चाहती थी और मैं उनके मैंने उसका विश्वास ही तोड़ दिया। एक हस्बैंड होने का फर्ज ही नहीं निभा पाया मैं, मुझे उस पे विश्वास करना चाहिए। हेलो, तुम कोई हस्बैंड हस्बैंड नहीं हो, ये झूठ मूठ की शादी है वैसे भी। सी जस्ट लुक देयर, प्रथा और यश एक दूसरे को लाइक करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ऋषभ, अगर आज तुम्हें पता चलेगी कि तुमने उसकी लाइफ में सब कर दी और तुम्हें उसे सुधारने का मौका मिल रहा है, उस मौके को तुम जाने दोगे क्या? सबकी अपनी लाइफ है, अपनी चॉइसेस है, बहुत सारी लड़कियों के साथ होता है, एक के साथ नहीं जमती तो दूसरे के साथ बन जाती है। और ऋषभ, ये सब क्या इमोशनल ड्रामा है? उसने कहा कि वो प्रेग्नेंट है, तुमने उसे सुना दिया, अब तुम्हें बुरा लग रहा है। तुम भूल गए हो क्या तुमने उससे शादी क्यों की? क्योंकि तुम्हें इस पर शक है वो देश के अगेंस्ट कुछ कर रही है कि नहीं, और अब तक तुम्हें उसके अगेंस्ट कोई सबूत नहीं मिला है। तुम सही कह रही हो रीम, इतना तो प्रूव हो चुका है कि उसके पापा गलत है, और भले ही प्रथा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, क्या पता वो भी देशद्रोही है। उसका जो भी सच है ना, वो विल फाइंड इट आउट। लेकिन अगर वो सही निकले, अगर वो गलत नहीं निकले, तो तुम उसे जाने दोगे उसके पसंद की लड़की के साथ? या, sure।